Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. Allah ki rehmat ne bando ko pukara hai, wo farz ada kar do, jo farz tumhara hai, hamara karma सच्ची राह वालों का चलो अल्लाह रखवाला है हम अल्लाह वालों का हस्ता काफला से जो है बहुत से लोग जमा है आज फिर हस्ता काफला जा रहा है बेटा मकबूल अगर तूने नूरी का बोझ मेरे सर से हल्का कर दिया होता तो आज मैं भी अपनी जिंदगी का आखिरी फर्ज अदा कर देती इसी काफिले के साथ चली जाती बेटा काफिले तो जाते ही रहते हैं उम्मीद जान हज का सवाब अगर मुकद्दर में लिखा है तो जरूर मिलेगा इस साल नहीं तो अगले साल ठीक है बेटा लेकिन नेक काम में देर नहीं करना चाहिए तो जिंदगी क्या भरोसा आज है कल नहीं मंजिल खुदा का घर है ये जिंदगी क्या है ये जिंदगी क्या है एक सफर है हमारी हर सांस है इबादत हमारी मंजिल खुदा का घर है ये जिंदगी क्या है हमारे नसीब जागे झुका दो सर को खुदा के आगे वो सबके दुख दर्द जानता है हर एक दिल की उसे खबर है ये जिंदगी क्या है हमारा रास्ता ना रोके दुनिया नहीं है दिल में कोई तमन्ना हंसी खुशी घर से चल पड़े हैं जवां इरादे जवां नजर है ये जिंदगी क्या है कोई छोटे बड़े का झगड़ा न कोई अच्छे बुरे का चर्चा खुदा का दर ही एक ऐसा दर है जमाने भर का जहां गुजर है ये जिंदगी क्या है वतन को करके सलाम आखिर चले हैं आज हम वतन से बाहर खुदा है हाफिज मिलेंगे फिर जिंदगी अगर है ये जिंदगी क्या है सुल्तान ए हिंद शमशुद्दीन अल्तमाश जिंदाबाद सुल्तान ए हिंद शमशुद्दीन अल्तमाश हुकूमत की तरफ से हाजियों और बद्रीनाथ के यात्रियों को राह खर्च और गर्म कपड़े अता किए जाएं चौकियों पर हुक्म भेज दिया जाए कि इनको रास्ते में किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए खुदा की राह पर जाने वालों के आराम और आशास का ख्याल रखना हुकूमत का फर्ज है सुल्तान ए हिंद शमशुद्दीन अल्तमाश जिंदाबाद सुल्तान ए हिंद शमशुद्दीन अल्तमाश जिंदाबाद
خدا کی عبادت کے وقت یہ گنگروں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمیں جواب چاہیے. یہ آواز شہزادہ فیروز کی خوابگاہ سے آ رہی ہے علی جان. شہزادہ فیروز کی خوابگاہ؟ جی علی جان. کون ہے؟ فیروز. آداب ابا حضور. کیا بہودہ بنا؟ ابا حضور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر اللہ جان مجھے لڑکی بناتے تو میں کیسے دکھتا, کیسے ناشتا, کیسے گاتا. میرا مطلب ہے کہ ابا حضور. ابا حضور کسی نے تیر مارا. صبح کا سلام عرض کرتی ہوں ابا حضور. شاید ہماری بیٹی شکار پہ جا رہی ہے. جی ابا حضور. بھائی جان کہاں ہے؟ یہ ہے تمہارے بھائی جان. ارے یہ لڑکی بنے کیوں کھڑے ہیں؟ تم لڑکا بنی کیوں کھڑی ہو؟ ارے واہ, جو میں نہیں ہوں وہ میں بنا کھڑا ہوں, جو تم نہیں ہو وہ تم بنی کھڑی ہو. کیوں ابا حضور؟ ٹھیک جاؤ بیٹی, تم شکار پہ جاؤ. ہم اپنے 20 بیٹے ایک بیٹی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جنیدی. جی علی جان. آج سے فیروز کے محل میں لڑکیوں کے آنے کی ممانعت کر دی جائے. بجا علی جان. ابا حضور. زمین پہ رہ کے چاندتاروں کے خواب نہیں دیکھا کرتے آپ. خواب تو چاندتاروں کے ہی دیکھے جاتے ہیں بڑے میاں, کیونکہ زندگی میں ان کا ملنا ممکن نہیں ہوتا. یہ کون بزدل ہے جو چھپ کر بات کرتا ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟
आए बंगाल से? आज ही आया हूँ। आते ही हरकत की। खाम खा दौड़ाया मुझे। जिंदगी भर मैं तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ा लेकिन तुम मेरे हाथ ना आई। और मैं एक ही बार तुम्हारे पीछे दौड़ी और तुम हाथ आ गए, है ना? ये क्या, कोई देख लेगा तो? यहाँ देखने वाला कौन है? अगर कोई देख भी ले तो कौन पहचानेगा कि तुम इस लिबास में रजिया हो और मैं अल्तूनिया। ये क्या? आपके खुशी में ना कोई इनाम दे डालो। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं, ये लो। शुक्रिया। ये लो अशरफी, आपस में बांट लेना। शुक्रिया। लूटने वाले जलील शहजादे, बाहर निकलो जरा। आज मैं तुम्हारी तलवार का पानी देखता हूँ। निकलो बाहर। पागल मत बनो, इससे पहले के साहिबे आलम के कानों में तुम्हारी आवाज पड़े तुम वापस घर लौट जाओ वरना बेबाक मारे जाओगे। आज मैं मरने और मारने के लिए तैयार होकर आया हूँ। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। Yeah.
हाँ तो जुनेदी, क्या कह रहे थे तुम? क्या बहुजूर के बाद माबूद वाला सुल्तान नहीं बनेंगे? जी साहिब आजम, ये ठीक है कि आप सुल्तान हिंद के सबसे बड़े फर्जंद हैं, लेकिन तवारीख गवाह है कि बाप के बाद बेटा तख्त नशीन नहीं होता, बल्कि कोई गुलाम होता है। क्या मतलब? मतलब साफ है, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक तख्त पर बैठे, और उनके बाद उनके गुलाम आपके अब्बा हजूर, और इनके बाद इनका गुलाम। इनका गुलाम कौन? अल्तुनिया। अल्तुनिया, सुल्तान उन पर मेहरबान है, फौजें उनके कब्जे में, और वह मुल्क पे मुल्क फतेह किए जा रहे हैं। कभी बंगाल फतेह करते हो, कभी बिहार, आखिर इतने मुल्क जीत कर करोगे क्या? एक शहजादी के कदमों में डाल दूंगा। लेकिन उस शहजादी को मुल्क नहीं चाहिए। मुझे मालूम। फिर खामखा क्यों भटकते हो? अपने आप को शहजादी के काबिल साबित करने के लिए, वरना कहीं वो ये न समझे कि उसने जिससे मोहब्बत की है वो एक मामूली सरदार था। अल्तुनिया, तुम जिस शहजादी से मोहब्बत करते हो वो भी किसी शाही खानदान से नहीं, उसके वालिद उसे अक्सर ये कहा करते हैं कि बेटे, बड़ा वो नहीं है जो बड़े खानदान में पैदा होता है, बल्कि बड़ा वो है जो बड़ा बन के दिखाए। तो मेरे बड़ा बनने में अभी कितनी कसर और बाकी है? ये मुझे क्या मालूम, पर तुम बता कि अभी और कितने मुल्क फतेह करने बाकी है? सिर्फ एक। हाँ। वो कौन सा है? तो छोटा सा, लेकिन है बहुत मजबूत। किस्मत अच्छी हो तो आंख एक इशारे से मोती हो जाए, और जिद पे आ जाए तो तीर और तलवार सब बेकार। अच्छा, तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो छोटा सा मजबूत मुल्क तुम्हारी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी ये ताक कबूल कर लेगा। शुक्रिया। लेकिन हाँ, उस मुल्क का नाम तो बताओ। नाम? हाँ हाँ, तुम्हारा दिल। मेरा दिल? चाड़ी क्यों हिले? यूं ही, कोई जानवर होगा। देखो, अब मुझे चलना चाहिए, अब बहुजन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर कब मुलाकात होगी? मैंने कल भी कहा था ना कि मैं रोज ना आ सकूंगी। क्यों? क्यों? खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें मर्द बनाया। अगर कहीं लड़की बनाया होता तो पता चलता कि शिकार के बहाने आना कितना मुश्किल है। कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सिर्फ कल? मंजूर, इसी वक्त इसी जंगल में। मंजूर। वो कौन भागा? कहां? वो देखो, गजब हो गया दुनिया, आदमी किसी को कुछ कह देगा तो। घबराओ नहीं, वो घर तक नहीं पहुंच सकेगा। ये लोग का महबूब है, तुम जल्दी से जाके सरदार को खबर करो, और हाँ, तुम जल्दी से पानी ले आओ। क्या हुआ? सरदार, महमूद बुरी तरह से जख्मी है। महमूद, ये क्या बात है? तुम्हें किसने जख्मी किया? अरे हाँ, शहजादी साहिबा शिकार के बहाने रोजाना अल्तुनिया से मिलती, जमुना के किनारे पुराने मंदिर के पीछे मैंने उन्हें देख लिया। अल्तुनिया ने अल्तुनिया ने
महमूद, महमूद, जुनैदी, अगर तुम्हारी बात सच है तो दुनिया नहीं रहे, और अगर झूठ हुई तो तुम नहीं रहोगे, समझ गए? जा सकते हो। शहजादी साहिबा, वैसे आज आप जा कहाँ रही हैं? शिकार करने या शिकार होने ही मतलब ये है शहजादी साहिबा, आज बिना तीर कमान के आप शिकार करेंगे कैसे? ये तो मैं भूल ही गई थी, इन्हें भूल ही जाना चाहिए शहजादी साहिबा। क्यों? ये आंखों की तरकश, ये नजरों के तीर, ये अब्रो हमदार की कमान, आज तो शिकार की खैर नहीं है। जल्दी आ गए? नहीं, तुम देर से आई। अल्तुनिया, नहीं भाई साहब, नहीं। ठीक है, यहां मुनासिब भी नहीं, लेकिन अगर हिम्मत है तो कल शाही जश्न में आना, वहां तलवारबाजी के मुकाबले में हमारी तलवार तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगी। जरूर आऊंगा, लेकिन किसकी तलवार किसकी तकदीर का फैसला करेगी ये कल मालूम होगा। जशन में आना, वहां तलवारबाजी के मुकाबले में हमारी तलवार तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगी। जरूर आऊंगा, लेकिन किसकी तलवार किसकी तकदीर का फैसला करेगी ये कल मालूम होगा। फैल गई चांदनी
दीवाने लगी दिल की बुझाने आजा 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 जरूर कोई खतरा है। क्या हुआ? क्या हुआ शहजादी साहिबा? क्या हुआ शहजादी साहिबा? खुश क्या हुआ शहजादी साहिबा? खुश आपकी चीख, मैं समझा कि आप कुछ खतरे में हैं। ले जाओ इस पुस्तक को और फेंक दो बाहर। शहजादी साहिबा का हुक्म है कि इस गुलाम को जितनी सजा मिल चुकी है यही काफी है, इसे रिहा कर दिया जाए। छोड़ दो इसे। कौन है तुम? कौन गया यहाँ से? शहजादी साहिबा। शहजादी साहिब, हजार बार कहा था कि मोहब्बत हमेशा बराबर वालों में होती है, लेकिन अपनी सुनता कौन था? बड़े मियाँ, मोहब्बत अगर बराबर वाले ही कर सकते तो वो मोहब्बत हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक गुलाम से अपने आका पे जान देने का हक कौन छीन सकता है? बंदे को खुदा की इबादत करने से कौन रोक सकता है? इबादत? बस अब तू हो गया पूरा पागल, पूरा पागल। अगर कोई काजी सुन ले तो भले ही कुफर का फतवा दे दे, लेकिन दिल में तो ये आता है कि अपनी शहजादी का बुत बनाकर दिन और रात उसके सामने सीते करता रहूं। याकूत, हम तुम्हारी वफादारी की कद्र करते हैं। शहजादी साहिबा, ये शहजादी साहिबा की जरा नवाजी और गुलाम की खुशनसीबी, लेकिन आप इतनी रात गए
याकूत, हमारी एक मामूली सी चीख सुनकर तुम शाही महल के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां मर्दों को पहुंचना नहीं चाहिए। इस गुस्ताखी की सजा मौत भी हो सकती थी, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह न की। वफादारी की ऐसी जिंदा मिसाल हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। गुलाम की जिंदगी उसके आका की अमानत होती है शहजादी साहिबा, और जिस दिन गुलाम इस अमानत को अपने आका पर कुर्बान कर दे उस दिन उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। इन्हीं ख्यालात की कद्र करने के लिए हमने यहाँ आना जरूरी समझा। हमने सोचा गुस्ताखी की सजा तो याकूत को मिल चुकी, लेकिन उसकी वफा की तारीफ में अगर एक लफ्ज भी हमारे मुंह से न निकला तो दुनिया से वफा का नाम मिट जाएगा। गुस्ताखी माफ हो शहजादी साहिबा, जब तक ये गुलाम जिंदा है इस दुनिया से वफा का नाम नहीं मिट सकता। हमें तुम पर भरोसा है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ, कल शाही जश्न शुरू होने से पहले तुम्हें कहीं हमारे साथ चलना होगा। गुलाम तैयार रहेगा शहजादी साहिबा। नहीं रजिया, आज मुझे जश्न में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं फैसला करके आई हूँ कि आज तुम्हें जश्न में नहीं जाने दूंगी। डरती हो कि मैं सिमाब के हाथों न मारा जाऊं? हाँ, मैं दोनों तरह से डरती हूँ। अगर तुम दोनों का मुकाबला होगा तो एक की मौत लाजमी है, और मैं तुम्हें से किसी एक को भी खोना नहीं चाहती। एक को तो खो चुकी हो और दूसरे की खैर मनाओ। मतलब बहुत कुछ है, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस किस्म के मुकाबले के लिए दिल में जो जोश होना चाहिए वो अब मुझ में नहीं। जश्न में मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम्हें अपनी इज्जत रजिया से भी ज्यादा अजीज है? आज तो ऐसी ही बात है। लेकिन कल तक तो ऐसी बात न थी, रात भर में क्या फर्क पड़ गया? वो कभी फिर सुन लेना, अभी बताने लगूंगा तो जश्न का वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा और तुम न पहुंच सकोगे। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम जश्न में न जा सकोगे। औरत को समझना बहुत ही मुश्किल है। शिराज, हमारी तलवार लाओ। हिंदुस्तान के माया नाज शमशीरबाज साहिब आलम शहजादा सीमा पर मुकाबला माहिरे सुने के सनी सवार आला लश्कर शाही सरदार अल्तुनिया। सरदार अल्तुनिया कहाँ है? आलीजा, शहजादा सीमा से मुकाबला करना बच्चों का खेल नहीं। सिपे सलार आला सरदार अल्तुनिया। इस तीसरी बार के ऐलान के बाद भी अगर सरदार अल्तुनिया तशरीफ नहीं लाएंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि शहजादा सीमा के मुकाबले में ना आकर
सरदार अल्तूनिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। सिपे सालार आला सरदार अल्तूनिया। ये कौन? क्या मैं शहजादी साहबा से ये पूछ सकता हूं कि वो मेरी जगह मेरे लिबास पहनकर क्यों आई? सवाल बजा है, जवाब दो रजिया। अब्बा हुजूर, शाही फरमान के खिलाफ तलवारबाजी के बहाने आज एक दूसरे का खून करना चाहते थे। अगर मैं सरदार अल्तुनिया का लिबास पहनकर भाईजान के मुकाबले में न आती तो आज दोनों में से एक की मौत लाज होती। जशन बर्खास्त। आलीजा, ये है वो तीर जिसे सरदार अल्तुनिया ने मेरे वफादार गुलाम महमूद का खून किया। अल्तुनिया के इस तीर से महमूद का खून हुआ ये तो अल्तुनिया भी कबूल करता है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये खून क्यों हुआ। अल्तुनिया मुजरिम है, उसकी खामोशी समझ में आ सकती है, मगर तुम सब क्यों खामोश? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि महमूद का खून क्यों हुआ? क्यों सीमा और अल्तुनिया एक दूसरे के खून के प्यासे हुए? क्यों रजिया अल्तुनिया बनकर सीमा के मुकाबले में आई? अब्बा हुजूर, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका फैसला जुबान से नहीं तलवार से होता है। जब तक तुम जुबान से कहोगे नहीं हम फैसला कैसे करेंगे? आलीजा, महमूद मेरे एक खास काम से बाहर गया था, उसने सरदार अल्तुनिया को किसी से घुल मिलकर बातें करते हुए देख लिया। सरदार अल्तुनिया को महमूद की तरफ से खतरा पैदा हुआ और पहले ये बताओ कि महमूद ने अल्तुनिया को किसके साथ बातें करते देखा? आलीजा, उनका नाम जुबान पर लाने की ताक इस गुलाम में नहीं है। ये सारा वाकया सुन लेने के बाद क्या ये कहने की जरूरत रह जाती है आलीजा? रजिया, तुम जा सकती हो। अल्तुनिया। जी आलीजा। हम आज से तुमको पंजाब का सूबेदार मुकर्रर करते हैं और हम चाहते हैं सूरत रूप होने के पहले तुम भटिंडा के लिए रवाना हो जाओ।
जो हुक्म आ दीजिए। जुनैदी, हमारे होते हुए तुम अपनी शिकायत शहजादे के पास लेके गए और शहजादा बगैर हमारे खुद ही फैसला करने के लिए तैयार हो गया। हमको ये बात पसंद नहीं आई। मोहब्बत करना कोई बुरी चीज नहीं है बेटे, लेकिन शादी से पहले छुप के मिलना जरूर बुरा है। हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अल्तमश की बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके बाप का सर नीचा हो। ले आओ। ठहरो जरा। क्या बात है? क्या लिए जा रहे हो? रख दो नीचे। लो, ये तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे हम लोग लड़कियां लेके जा रहे हैं। क्यों, कैसी कही? अल्लाह आपका लो, देख लो, है ना जीनत का खूबसूरत मुजस्मा। अरे इन्हें क्या दिखाते हो? इन्हें भी शाहजादे की तरफ हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां। क्यों हजरत, ये खूबसूरत मुजस्मा आपको तो औरत नहीं दिखाई दे रहा है? ले चलो, उठाओ, ले चलो, उठाओ, ले चलो, जल्दी आओ, चलो, संभाल के लाना जितना मिल पाए। शहजादे साहब, ओ शहजादे साहब, क्या बात है, आप सो रहे हैं क्या? देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। सारी दुनिया में चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी ऐसी लड़कियों। लड़कियां वो है। वाह वाह, ये कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। क्या देख रहे हैं शहजादे साहब? ये लड़कियां नहीं, बुत हैं। बुत है? हाँ। हाय, क्या खूब बुत है, कितने खूबसूरत गेसु हैं। कितना हसीन चेहरा है। आह, कितनी खूबसूरत नरगिसी आंखें हैं। क्या हुआ शहजादे साहब? अगर इन बुतों में जान आ जाए तो कितना मजा आ जाए। तो ये कौन सी बड़ी बात है? हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, वो आपके दिल की दुआ कबूल करेगा। अल्लाह ने मेरी कबूल करी। हाँ, दुआ कीजिए सरकार। अच्छा, या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, तेरी बारगाह में क्या कमी है? अगर इन दो पुतलियों में जान डाल दे तो मैं कयामत तक तेरा एहसान मंद रहूंगा। हम दूर नहीं, अल्लाह कसम
आप सोचते होंगे कि आपके हुक्म उधुली क्यों, ये बेजान बुत है। बुत है ये, जी हाँ बहुजूर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी इन्हें बुत बनाता हूँ। देखिए या परवरदिगार, तू अपनी मेहर वापस ले दे और इन दोनों लड़कियों को बुत बना दे जल्दी से। अब जाना आएगा। देखा आपने? अरे नहीं बनी। ओह देख मालिक, ये मजाक का वक्त नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तू इन दोनों लड़कियों को फिर से बुत नहीं बनाएगा तो अब बहुजूर मेरी गर्दन उड़ा देंगे। समझ गया ना मालिक? अरे अब भी नहीं बनाया। हाँ बहुजूर, अल्लाह ताला दगा दे गए, मैं क्या करूं। बुतों से तो लड़कियां बना दी, अब लड़कियों से बुत नहीं बना रहे। खुदा के आगे बंदे का क्या जोर। ठीक है, खुदा के आगे बंदे का कोई जोर नहीं। एक बाप की औलादें एक ही माहौल में पली, सीमाब, फिरोज और रजिया में कितना फर्क है। चलिए मौलाना। अरे भाई चौधरी, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं होगी, आप कल बारात लेकर आ जाइए ना। तो ठीक है, मैं कल ही बारात लेकर आता हूँ। अगर कल बारात लेकर नहीं आए चौधरी, तो मैं नूरी को लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। और जब तक साहबजादे से उसका निकाह नहीं हो जाएगा, मैं वापस नहीं आऊंगी। पूरे 3 साल से हज की तमन्ना दिल में लिए बैठी हूँ। इस साल ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। नूरी घर में सिर्फ एक रोज की मेहमान है। खामोखा दिल छोटा कर रहे हैं आप, नूरी को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मेरे लड़के को नहीं जानते। हाँ मालिक, एकदम छेड़ा है छेड़ा आपकी दया से। और हमारी नूरी क्या कुछ कम है? तो बस चांद और चकोरी का जोड़ी होगी जोड़ी। भाई हम तो अपने चांद के बारे में कह सकते हैं आपकी दुआ से। गोरा रंग, चौड़ा सीना और जब चलता है तो जमीन हिलती है आपकी दुआ से। शाम के धुंधलके में यमुना के किनारे जब वो बंसरी बजाता है तो गांव की छोकरियां पानी भरना भूल जाती हैं आपकी दुआ। नूरी नूरी शर्मा कर भाग गई, बड़ी गर्मी ली है। शैदा शैदा शैदा, आज मेरी शैदा, देख तेरी नूरी तुझे बुला रही है। सुनता नहीं शरीर कहीं का। शैदा शैदा, शैदा इतना भी नहीं समझता कि जंगल में बहुत खतरे हैं? तू नूरी के पिंजरे में बिल्कुल महफूज रहेगा। पगला, अपना भला बुरा भी नहीं सोचता। शैदा शैदा, चेहरा हाजिर है। छोड़ मुझे, मैं छोड़ दूँ मुझे। हेलो मेरे अपुनिया, अपुनिया गजब हो गया। शैदा ने सीना नूरी को उठा कर ले गया। क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से उसे महल की तरफ जाते हुए देखा। वो कदम हो गया। तुम मम्मी जान से कुछ मत करना, मैं जाता हूं। ऐसा हुस्न वाकई आज तक हमारी नजरों से नहीं गुजरा। तखलिया। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। नूरी। नूरी, रखने वाले ने नाम भी बहुत खूब रखा है। बखुदा सरापा नूर ही नूर है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम अब तक इस नूर से महरूम क्यों रहे? राधापुर के झोपड़े में ये नूर जगमगाता रहा
और हम दिल्ली के शाही महल में बैठे चरागों से खेलते रहे। नूरी नहीं, नहीं साहब आलम, मैं आपकी फॉर्म भरती हूँ। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ, एक बूढ़ी दादी माँ है, वो दोनों मेरे बगैर रो कर पागल हो जाएंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए साहब आलम। लेकिन ये तुमसे किसने कहा है कि हम तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगे? तुम जब चाहोगी अपने घर जा सकोगी, और अब तुम्हारा गरीब बाप भी गरीब नहीं रहेगा। हम अपने फजल व करम से उसे निहाल कर देंगे नूरी। सच सच आलम, आप कितनी अच्छी, सुबह तो सच कहती थी। शुक्रिया शुक्रिया साहब आलम। लेकिन तुम जा कहां रही हो? अपने घर। आप ही ने तो कहा था मैं जब चाहूं अपने घर जा सकती हूं। क्यों साहेब आलम, क्या आपकी नजरें इनायत नहीं हुई मुझ पर? हमारी नजरें इनायत से पहले तुम्हारी भी तो हम पर नजर इनायत होनी चाहिए साहेब आलम। आज अपने नूर से हमारे दिल की तारीख वादियों को रोशन कर दो, फिर अगर चाहोगी तो हम हिंदुस्तान की हुकूमत भी तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे आके कोई चीज नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, मुझे अपने घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। कुछ नहीं, इज्जत नहीं कर। मेरे हाथ से तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे हाथ में ही एक अंगूठी है, गजब हो जाएगा अगर तुम नहीं आ चाहती। तुम्हें नहीं मालूम कि उसमें जहर होता है। मुरी अरे मुरी, ये क्या कर रही मुरी? ओह ये क्या कर रही मुरी? तुमने हीरा चाट लिया मुरी? क्या किया तुमने मुरी? मुरी मैं कहता था ना तुमसे, मुरी गजब हो गया। आपको खुदा का वास्ता, मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। शहजादे आलम मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। अरे शहजादे आलम, मैं जिंदगी आपकी गुलाम नहीं करूंगा। जाओ जाके मुआवजा ले आओ। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची, उठ मेरे चंदा, तू यहां सो रही है और कल तेरी शादी होने वाली है। उठ बेटा, तेरी दादी तेरा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है। नूरी, नूरी, नूरी। आज इसे हम अपने दिल की गहराइयों में उतारना चाहते थे, लेकिन ये बदकिस्मत निकली। खैर, हम मुआवजा देने को तैयार हैं। ले जाओ इसे। क्या रहे हो? ले जाओ। जल्दी करो, फरियादी की फरियाद सुनने में देर नहीं होनी चाहिए। जाओ फरियादी, शाही दरबार में जाकर अपनी फरियाद पेश करो।
फरियादी अपनी फरियाद पेश करे। अरे जा, खाकसार मौजा राधापुर का बाशिंदा और ये खाकसार की अकलौती बेटी नूरी है, इसके हाथ पीले भी न हुए थे कि इस मासूम को एक जालिम ने अपने जुल्म का शिकार कर दिया। वो बेदर्द इस बच्ची को जबरदस्ती गांव से भगा ले गया। अब तो मुझे इसकी लाश वापस मिली। राधापुर की चौकी में फरियाद क्यों नहीं की? राधापुर की चौकी तो क्या आली जा, दिल्ली की हदूद की सारी चौकियों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी मुझ गरीब की फरियाद न सुनी। क्यों नहीं सुनी किसी ने? उस जालिम का खौफ इतना है कि उसके खिलाफ न तो कोई कुछ कह सकता है न तो कोई कुछ सुन सकता है। औरतों की किस्मत और मर्दों की जिंदगी उसके खेलने के खिलौने। जब वो बाजारों और गलियों से गुजरता है तो घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। फरियादी मासूम पोशीदाएं सहम कर अपने सर अपनी माओं की गोदियों से छुपा लेती हैं। इस किस्म का कोई शख्स हमारी सल्तनत में जिंदा है, यह हमारे लिए बायसे शर्म है। बताओ कौन है वो गुस्ता जो हमारी और हमारे सल्तनत के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा हो गया, जिसके खौफ ने हमारी सल्तनत के जनो मर्द को इस कदर खौफ सदा कर दिया है कि वो हमारे सामने पेश होने की जरूरत ही नहीं कर सकता। पहले उसका नाम बताओ। हमारा बेटा, आज तक तो हम उसको तलवार का धनी समझते, उसकी आवारगी के संकट से जरूर सुने थे, लेकिन वो इतना मासूम औरतों की अस्मत और बेगुनाह इंसानों की जिंदगी से खेलता है ये हम नहीं जानते। उसके जुल्म सितम की दास्तान बहुत लंबी है आलिशान। आज उसकी जिंदगी की दास्तान के साथ उसके जुल्म सितम की दास्तान भी खत्म हो जाएगी। आज सिमाब हमारे हाथ से नहीं बचेगा, हमारी रवानगी का इंतजाम किया जाए। भाईजान, आज की मश खत्म। तख लिया अब्बा हुजूर, तुम अपने तलवार से मौत की सजा देने आ रहे हैं। रजिया, अभी तक इस दुनिया में वो इंसान पैदा नहीं हुआ जो तलवार से सीमा को मौत की सजा दे सके। तुम पागल हो गए भाईजान, अपने वालिद के खिलाफ तलवार उठाओगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? उठाने तो नहीं चाहिए, लेकिन खामोशी से अपना सर झुकाकर गर्दन कटवा लूं तो दुनिया कहेगी सीमा बुजदिल निकला। बुजदिली और बहादुरी का सवाल तो जंग में होता है, लेकिन अब्बा हुजूर तुम्हें किसी जुर्म की सजा देने आ रहे हैं। जुर्म और सजा का फलसफा सीमा नहीं मानता भाईजान। जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मुझे मजबूर मत करो रजिया। सामने तलवार देखकर मेरा खून खौलने लगता है, एक अजीब सा पागलपन मेरे सर पर सवार हो जाता है। जब तक कि मेरी तलवार उसके सीने में पैवस्त होकर उसका काम तमाम ना कर दे। तो तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ। रजिया सुनो, अब्बा हुजूर के घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दे रही है, जल्दी करो। हाथों पाप को कुछ हो गया तो दुनिया क्या कहेगी, आने वाली नस्लें क्या कहेंगी? जल्दी भाग जाओ भाईजान, किस सोचने पड़ गए भाईजान? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है, वो तुम्हारे वालिद है जिनकी गोद में पलकर तुम बड़े हुए हो। जल्दी करो भाईजान, तुम्हें मेरी कसम, अपनी बहन की कसम, चलो चलो जल्दी भाग जाओ। Thank you.
बुरा हो चुका, मगर अफसोस कि फर्ज पूरा ना हो सका। अल्लाह ताला ने इतने बेटे दिए मगर सब ना लाया था, मर्जी उसकी। मौलाना, जो इंसाफ हम मकबूल को ना दे सके वो इंसाफ हमारी बेटी रजिया उसको दे। आज से हिंदुस्तान के तख्त ताज की वारिस रजिया होगी। आज से मलकह दौरा वाली मुल्क बानोए हिंद रजिया। اشهد ان لا اله الا الله دادی اما دادی اما چاچا جی محمد بہن کی شادی ہے میں میٹھے لائی ہوں دادی اما کہاں ہے نوری मेरे बच्चे तो वहां गई नूरी नूरी मेरे बच्चे मकबूल मेरी नूरी आ गई तो जल्दी जा बेटा सीतापुर वाले चौधरी से कह दे कल ही बारात लेकर आ जा जा बेटा जल्दी कर चल नूरी चल अंदर चल जाती आंखों की रोशनी चली गई क्या आंखों में नूरी के साथ ही इसकी आंखों का नूर भी चला गया अब तो ये हर लड़की को नूरी समझती है हर वक्त उसी के चर्चे उसी का दस्तखत नहीं मजा आ गया अब तो औरत की हुकूमत है अगर हम चाहें तो हजारों औरतों को महल में रख सकते हैं मगर एक बात समझ में नहीं आती वो क्या हुजूर बात वो ये है कि औरत हम पर हुकूमत करे ये बात कुछ अजीब सी लगती है अजीब क्यों लगती है शहजादे साहब जब से दुनिया बनी है हमेशा औरतों की हुकूमत रही है क्यों री हाँ हाँ ठीक तो है नहीं नहीं कभी नहीं हुकूमत रही अरे वाह यूं ही कह दिया हुकूमत रही अरे औरत तो मर्दों के लिए एक खिलौना है जब जी चाहा खेल लियो गुस्ताखी माफ शहजादे साहब खिलौना औरत नहीं मर्द है औरत चाहे तो मर्दों को तिगनी का नाच नचवा सकती है शहजादे साहब नहीं है कोई बड़ा कुछ से जमाने में हमारा नाम है दुनिया के हर फसाने में ये बात है तो हो जाए चलो हो जाए मुकाबला हाँ हो जाए आओ जरा नदी का मिट्टू बिट्टू हो जाए नहीं है कोई बड़ा हुस्न से जमाने में हमारा नाम है दुनिया के हर फसाने ये क्या कहा के कोई हुस्न से बड़ा ही नहीं तुम्हारा हम से अभी वास्ता पड़ा ही नहीं जाओ जी जाओ बड़ी शान की दिखाने वाले जाओ जी जाओ बड़ी शान की दिखाने वाले जाओ जी जाओ बड़ी शान के दिखाने वाले हमारे हुस्न का चारों तरफ
जी जाओ, हाय जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, शान के दिखाने वाले, शान के दिखाने वाले, बातें बनाने वाले, हर दिल को जलाने वाले, जाओ जी जाओ बड़ी शान के दिखाने वाले, जाओ जी जाओ बड़ी शान के दिखाने वाले। जमाने वाले तुम्हें हमसे कम समझते हैं, तुम्हारी सारी हकीकत को हम समझते हैं, हमारे प्यार ने मगरूर कर दिया है तुम्हें, हमारे प्यार ने मगरूर कर दिया है तुम्हें, हमारी बातों ने मशहूर कर दिया है तुम्हें, हमारी बातों ने मशहूर कर दिया है तुम्हें। हमीं को आंखें दिखाते हो तुम, कयामत है वो, तुम ही बताओ कि ये कौन सी शराफत है। जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, शान के दिखाने वाले, शान के दिखाने वाले, बातें बनाने वाले, है दिल को जलाने वाले, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले। बात क्या कहना, तुम्हारे जैसे हजारों नजर से गुजरे हैं, नजर से गुजरे हैं, दिल पर संभाले दर से गुजरे हैं, हाई दर से गुजरे के छोड़ा है। जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, शान के दिखाने वाले, शान के दिखाने वाले, बातें बनाने वाले, हर दिल को जलाने वाले, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले। चढ़ा के सर पे तुम्हें हम गिरा भी सकते हैं, बनाने वाले बना कर मिटा भी सकते हैं, जो जिद पे आए बहारों को भी फिजा कर दें, जो जिद पे आए बहारों को भी फिजा कर दें, जमीन को प्यार से देखें तो आसमां कर दें, जमीन को प्यार से देखें तो आसमां कर दें। मगर बना के मिटाना हमारी शान नहीं, अरे तुम्हारी तरह से हम लोग बेईमान नहीं। जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, जाओ जी जाओ, बड़ी शान के दिखाने वाले, जाओ जी जाओ। हम इस गुस्ताखी की वजह जानना चाहते हैं।
वजह साफ है, मर्दों के सर एक औरत के सामने झुकने से माजूर है। हुक्मरान जाए के जानो माल का मुहाफिज होता है, और जिसे खुद बचपन में बाप, जवानी में खाविन और बुढ़ापे में बेटे की हिफाजत की जरूरत है, वो कमजोर और नाजवा औरत दूसरों की हिफाजत क्या करती। खामोश। औरत की सबसे बड़ी अजमत यह है कि वो अपनी हस्ती से इंसान की हस्ती वजूद में लाती है। रोने के सिवा क्या आता था जब तुम पैदा हुए? जिसने जबान को बोलना और पांव को चलना सिखाया, सोचने समझने और बात करने का पहला सबक दिया, क्या उसके सामने सबसे पहले तुम्हें अपना सर नहीं झुकाना चाहिए? और फिर हमारे सामने सर झुकाने के माने औरत के सामने सर झुकाना नहीं, बल्कि ताजशाही के सामने सर झुकाना है। आप ताजशाही की सही वारिस नहीं है। हमें आज आनी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का फैसला मंजूर नहीं। हम आपको अपनी मलिका नहीं मानते। अगर हमें अपनी मलिका नहीं मानते तो फिर हमारे दरबार में क्यों आए हो? हुकूमत की खिदमत के लिए हुकूमत की तरफ से अता की हुई तलवार अपनी कमर में बांधकर क्यों खड़े हो? इसलिए कि हम इन तलवारों से आपकी हुकूमत को बदलना चाहते हैं। ये नामुमकिन है। आगे मत बढ़िए मलका आलिया, ये लोग बागी हैं, मुझे इनकी आंखों में खून नजर आता है। अगर आज हम इनके दरमियान नहीं जाएंगे तो आने वाली नस्लें कहेंगी कि आज जहानी अब्बा हुजूर का फैसला गलत था, रजिया ताजो तख्त के काबिल न थी। तुम सब आज जहानी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के वफादार सरदार हो, जिन्होंने खुद अपने दस्ते मुबारक से अपना ताज हमारे सर पे रखा था। तुम उनके किए हुए फैसले को नहीं ठुकरा सकते, तुम उस पौधे को नहीं काट सकते जिसे तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा था। तुम्हारी तलवार हमारे खिलाफ नहीं उठ सकती क्योंकि हम तुम्हारी मलका हैं। तुम अपनी मलका को मलका मानने से इनकार नहीं कर सकते। आप सबकी तलवारें झुका सकती हैं, लेकिन जुनादी की तलवार नहीं झुका सकती। इसे झुकना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आप आगे बढ़ी तो क्या होगा? वार करोगे हम पर? जरूर करूंगा जुनादी। अगर आप और आगे बढ़ी तो मेरा हाथ उठने पर मजबूर हो जाएगा। मलका आलिया के खिलाफ उठने वाला हाथ काट दिया जाएगा, वो सर कुचल दिया जाएगा जो मलका आलिया के खिलाफ उठने की जुर्रत करेगा। एक हाथ तो काट दिया मगर दूसरा अभी सलामत है, लेकिन याद रखो यही हाथ तुम्हें एक दिन खत्म करेगा। आप भी एक गुलाम को लेकर इतने बड़े मुल्क की हुकूमत को नहीं चला सकेगी। जज्बात में बहकर इन बहादुरों ने अपनी तलवारें तो गिरा दी थी, वरना ये सब गयूर मर्द हैं, मर जाएंगे लेकिन एक औरत की गुलामी को कभी कबूल नहीं करेंगे। चलो बहादुरों, यहां से चलो, चलो। इन चंद सरदारों की आवाज हिंदुस्तान की आवाज नहीं है मलका आलिया, इस मुल्क का हर बाशिंदा और शाही फौज का हर सिपाही मलका आलिया का वफादार है। हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे याकूत कि तूफान के वक्त तुम चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े रहे। गुलाम ने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। अब तुम गुलाम नहीं। आज हम तुम्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा औहदा अता फरमाते हैं। हम तुम्हें शाही फौज का सिपे सालार आला मुकर्रर करते हैं। गुलाम के खून का हर कतरा अपनी मलिका के लिए बहेगा। हमें हमेशा तुम पर नाज रहेगा। शाही कासिद को भटिंदा भेजकर सरदार अल्तुनिया सूबेदार पंजाब को यहां बुलवाया जाए।
और ऐसे ही फरमान दूसरे सूबेदारान के नाम भी जारी कर दिए जाए कि वो फौरन दिल्ली पहुंचकर हल्फे वफादारी लें, ताकि हम दोस्त और दुश्मन में तमीज कर सके। फरमान शाही बनाम सरदार अल्तुनिया सूबेदार पंजाब। फरमान है कि सरदार अल्तुनिया सूबेदार पंजाब मलका आलिया के हजूर में फौरन दिल्ली पहुंचकर हल्फ वफादारी लें। ताकीर का मतलब हुक्म अदूली और हुक्म अदूली का मतलब बगावत समझा जाएगा। जाओ खासिद, जाकर अपनी मलका से कह दो जो खुद बेवफा हो उन्हें दूसरों से वफा की उम्मीद रखने का क्या हक है। क्यों याकूब, सीमाक की कुछ खबर मिली? मलका आलिया, मुल्क के कोने कोने में सीमाक की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जाहिर है कि वो खुफिया तौर पर किसी गहरी साजिश की तैयारी कर रहा है। वजह फरमाती हैं मलका आलिया, गुलाम का ख्याल है कि बरतरफ शुदा सरदार भी सीमाब से मिल गए, आज सुबह से ही उनका भी सुराग नहीं मिल रहा है। मलका आलिया का इकबाल बुलंद हो, शाही काशिद शर्फ बारियाबी की इजाजत चाहता है। हाजिर किया जाए। काशिद तन्हा क्यों? क्या सरदार अल्तुनिया तशरीफ नहीं लाए? जवाब दो काशिद, तुम खामोश क्यों खड़े हो? गुलाम जान की अमान पाए तो अर्ज करे। हमने अमान बख्शी, तुम्हें जो कुछ कहना है बेखौफ होकर कहो। काय आलिया, हाकमे आला अल्तुनिया ने शाही परवाना पढ़ने के बाद उसे पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया और कहा, जाओ काशिद, जाकर अपनी मल्लिका से कह दो जो खुद बेवफा हूं उन्हें दूसरों से वफा की उम्मीद रखने का क्या हक। आशिद, हम तखलिया चाहते हैं। ठहरो याकूब, हमारे भटिंदा जाने का इंतजाम किया जाए इसी वक्त। गुलाम के नाचीज राय में मलका आलिया का तन्हा वहां तशरीफ ले जाना खतरे से खाली नहीं। अल्तुनिया के जवाब से बगावत की बू आती है, ऐसा न हो कि वहां जाने से मलका आलिया का शाही विकार, हिंदुस्तान का ताजो तख्त, बानव हिंद की इज्जत और हुरमत एक गुस्ताख की गुस्ताखी का शिकार हो जाए। ऐसा न हो कि क्या खुद गुलाम जबान दराजी के लिए माफी का ख्वास्तकार है मलका आलिया। एक बात बता, अगर तुम्हें इल्म हो कि हमने तुम्हारे लिए मौत का हुक्म सादिर फरमाया, तुम्हें मालूम हो कि हमारे पास पहुंचते ही तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाएगा, तुम पर भूखे भेड़िया छोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी चील कबू के आगे डाल दी जाएगी, तो भी क्या तुम हमारे पास आओगे? मलका आलिया के हुक्म पर कुर्बान हो जाना गुलाम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी समझता है। खुदा गवाह, अगर मलका मुझे याद फरमाए तो कायनात की सारी ताकत और दुनिया का कोई खौफ मुझे आपके पास आने से नहीं रोक सकता। तो बस याकूत, जो जगह तुम्हारे दिल में अपनी मलिका आलिया के लिए है, वही जगह हमारे दिल में अल्तुनिया के लिए है। तुम जाओ, सफर की तैयारी करो। कुछ कहना चाहते हो? गुलाम साथ चलने की इजाजत चाहता है। हमें मंजूर है। बाजुओं की मानिंद है, अगर ये दोनों बाजू काट दिए जाए तो रजिया खुद बहुत खत्म हो जाएगी। एक बाजू दिल्ली में है और दूसरा भटिंडा में। पहले भटिंडा का बाजू काट दो, वो तो आज ही रात को काट दिया जाएगा। साहिब आलम, आप जुनैदी के बाएं हाथ पर भरोसा रखें, आज अल्तुनिया इसके वार से नहीं बचेगा। ملکہ دورہ آزار ہندوستان والی ملک سلطان رضیہ۔ ملکہ آلیہ کے ساتھ اگر وہ حبشی غلام اندر آنا چاہے تو اسے مت آنے دو۔
حکم سردار التونیا صوبیدار پنجاب سپہ سالار اعلی صوبیدار کے ماتحت نہیں ہوتا یا خود ملکہ عالیہ ملکہ عالیہ کی خدمت میں غلام آداب پیش کرتے ہیں غلام کو نہایت افسوس ہے کہ اس نے ملکہ کے ساتھی کو ملکہ کے ساتھ اندر آنے کی اجازت نہیں دی اچھا ہی کیا تم نے ہم تم سے تنہائی میں ہی ملنا چاہتے تھے کیوں کیا سپاہی سالار اعلیٰ سے تنہائی میں مل کر دل نہیں بھرا ملکہ عالیہ کا ہوش قائم ہے تمہارے التونیا اب آپ ہندوستان کی خود مختار ملکہ ہیں اور وہ حبشی غلام آپ کا قابل اعتماد سپاہ سالار اب رات کی تاریکیوں میں کالا لباد اوڑھ کر اس کے ہاتھ جانے کی ضرورت التونیا عورت کی بے وفائی کی بہت سی داستانیں سنی تھی لیکن ایسی ہی داستان التونیا سے بھی دہرائی جائے گی اس کا مجھے علم نہ تھا خیر ملکہ عالیہ کو نہایت عزت اور احترام سے ہمارے نشاط محل میں لے جاؤ التونیا کی بغاوت اور ملکہ کی بے وفائی کا فیصلہ وہیں ہوگا انہیں جہاں ہونا چاہیے وہ وہیں ہیں اور آپ کو جہاں ہونا چاہیے میں ڈھونڈتا ہوں ملکہ عالیہ کہاں ہے تلوار میان میں رکھ کے بات کرو ہمیں قدنا غلام کے منہ لگنا نہیں چاہتے غلاموں کی حکومت میں رہ کر ایک غلام کو غلام ہونے کا طعنہ دیتے ہو غلاموں کی حکومت جی ہاں ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالیے اور بتائیے کہ ہندوستان کے پہلے سلطان آن جہانی قطب الدین ایبک کیا شہاب الدین غوری کے زر خرید غلام نہیں تھے اور جنہیں آپ روز جھک کر تین بار سلام کیا کرتے تھے وہ سلطان شمش الدین التمش کون تھے انہی کے نقش قدم پر چل کر اگر تم بھی سلطان بننے کے خواب دیکھ رہے ہو یعقوب تو اٹھاؤ اپنی تلوار یہ رقابت کی آگ جب تک ہم دونوں میں سے ایک کا خون نہیں پی لے گی نہیں بجھے گی تلوار کے سوائے اور کوئی چیز ہماری محبت کا فیصلہ نہیں کر سکتی اگر محبت کا فیصلہ تلواروں سے ممکن ہوتا تو آج میں ضرور تلوار اٹھاتا لیکن جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا جو فیصلہ تم نے اور تمہاری ملکہ نے مل کر دلی میں کیا ہے وہ فیصلہ آخری فیصلہ نہیں آخری فیصلہ یہاں ہوگا یعقوب تقاوت کے فیصلے ہمیشہ تلواروں سے ہوئے ہیں لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا رقیب بزدل نکلا التونیا صرف ایک اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے ورنہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ادنا غلام کے منہ لگنا نہیں چاہتے سپاہیوں حاضر ہے ملکہ عالیہ کیا کہنا چاہتے ہیں صوبیدار پنجاب صوبیدار پنجاب نے ملکہ عالیہ سے بغاوت کی اور رضیہ نے التونیا سے بے وفائی بغاوت کی سزا صوبیدار پنجاب کو ملنی چاہیے
और बेवफाई की सजा रजिया। मलका आलिया को जानकर खुशी हुई कि सूबेदार पंजाब अपने जुर्म का इकबाल करते हैं, लेकिन रजिया पे जो इल्जाम लगाया गया है वो उसे कबूल नहीं करती। रजिया ने किसी से बेवफाई नहीं की। गुस्ताखी माफ, अल्तुनिया को रजिया से ये पूछने का हक है कि वो एक साथ दो कश्तियों पर क्यों सवार हुई, उसने एक दिल में दो आदमियों को क्यों जगह दी, दिन में जंगल में अल्तुनिया से, रात को झोपड़े में याकूस से क्यों मिलने गई। तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि अल्तुनिया के अलावा रजिया को याकूस से भी? जी हाँ, मेरा मतलब यही है। ये झूठ है। मुजरिम अगर अपने जुर्म का इकबाल न करे तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बेकसूर है। और किसी बेकसूर पे कोई खामखा इल्जाम लगा दे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुजरिम है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे जो कहना था वो कह चुकी, अब सच और झूठ का फैसला वक्त करेगा। के जनूबी हिस्से में जुनैदी अल्तुनिया को खत्म करने जा रहा है, अल्तुनिया को खत्म करने जा रहा है, अल्तुनिया को खत्म करने जा रहा है। तो बस या जो जगह तुम्हारे दिल में मलका आलिया के लिए है वही जगह हमारे दिल में अल्तुनिया के लिए है। नहीं, ये नहीं हो सकता। याकूत के होते वर्निया की कोई ताकत अल्तुनिया को खत्म नहीं कर सकती। अंदर पहुंच गए।
अब सरदार याकूत अकेले उनसे लड़ रहे हैं। क्या बात, याकूत ये यहां कैसे पहुंचा? समझा, मुझे खत्म करने के लिए कैद खाने से। जी नहीं सरदार आला, हकीकत कुछ और है। जुरैदी और उसके साथी छुपकर आप पर हमला करने आए थे। क्या कहते हो? सिपह सालार आला याकूत ने अपनी जान पे खेलकर हुजूर की जान बचाई। याकूत ने मेरी जान बचाई? याकूत, याकूत रियास, जाकर मलके आले की खिदमत में अर्ज करो कि वो यहां फौरन तशरीफ लाए। कहां भूल हुई मुझसे, कुछ समझ में नहीं आता। याकूत ने मेरी खातिर अपनी जान। मलिका ने कहा था याकूत जो जगह तुम्हारे दिल में अपने मलिका के लिए, वही जगह हमारे दिल में अल्तुनिया के लिए। याकूत, याकूत क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई मलका ने यह कहा था? कितनी भूल हुई मुझसे। याकूत मेरी दोस्त, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? याकूत क्या बात है, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हुआ याकूत? आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई मलके आलिया, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। क्या मतलब? मेरे खुदा, मेरी इल्तिजा इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया जहां मैं जा रहा हूं, मेरी मलिका आए तो अपने महबूब के साथ आए। हाँ मेरे खुदा, उस दुनिया के साथ आए। याकूत, वरना अपने महबूब के बगैर मेरी मलिका की हालत, उसके होठों की मुस्कुराहट, मेरे खुदा मेरी मलिका मेरी खुशी, या अल्लाह। याकूत, याकूत मलिका, इस अमानत को अपने आका पर कुर्बान कर दे, उस दिन उसके जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। याकूब, अब तू नहीं आना चाहिए। याकूत ही सही, एक बाजू तो कटा,
एक जो बाकी है वो भी कट जाएगा साहिब आलम, हमें तुम पर पूरा भरोसा है जुनैदी। मोरी मोरी कहाँ है मेरी मोरी? मोरी 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 यहाँ घूम रही है बेटी, और वहाँ शादी का जोड़ा लिए मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ माँ मकबूल मकबूल तुम मलके आ रही? मेरी मां नूरी के गम से पागल हो गई है मलके आलिया, जहाँ कोई लड़की मिलती है नूरी समझकर उससे लिपट जाती है। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तू है। मैं क्या अपनी नूरी को नहीं पहचानती? चल बेटे घर चल, तू क्या जिंदगी भर मुझे हज पर नहीं जाने देगी? चल चल मां चल। तो वो नूरी थी, ना हम नूरी को भूल सकते हैं ना उस फर्ज को जो अब्बा हजूर हम पर छोड़ गए हैं। मकबूल को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। लो दरवाजा भी बंद हो गया, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? हुजूर गुलाम ने अर्ज की ना, बात सबके सामने कहने की नहीं है, तखलिया चाहिए। मियां कासिद हमारे यहाँ तखलिया तीन आदमियों का होता है। हाँ मिट्टू ठीक कहता है, जो कुछ कहना है जल्दी कह डालो। हुजूर साहबे आलम सीमाब आपसे मिलना चाहते, उन्होंने फरमाया है कि आज दोपहर रात गुजर जाने के बाद कुतुब मीनार के पास उनका आदमी आपका इंतजार करे। ठीक है ठीक है, हम समझ गए, लेकिन भाईजान से कहना कि उस आदमी के साथ एक घोड़ा नहीं तीन घोड़े भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ तीन का तखलिया होता है। क्यों कैसी कही? अल्लाह तुम जा सकते हो, जा सकते हो। मिठू पिठू जी हमें निलाने का बंदोबस्त करो। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं साहिब आलम, फिरोज की दिल खोल कर खुशामद की जाएगी, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाई जाएगी ताकि उसे आसानी से कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। ठीक है, अकलमंद को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है जुनैद, लेकिन बेवकूफ को बेवकूफ बनाना क्या मुश्किल है। बादा बा मुलायदा होशियार साहेब आलम शहजादा फिरोज फरजंद अर्जमन आ जहानी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। खुशामदीद ब्रादर मन, तशरीफ रखिए। आज हम अपने ब्रादर की तशरीफ आवरी में अपने दिल की खुशियां बखेर देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आज इन खुशियों को अपने सीने में समेट कर जवानी दीवानी हो जाए, और इतनी दीवानी हो जाए कि हुस्न उसका कहा मानने से इनकार करे। कहना न मानू मैं, कहना न मानू मैं जवानी का नाम बदनाम है दीवानी का हो, कहना न मानू मैं जवानी का। I'm
का हर काम है नादानी का, नाम बदनाम है दीवानी का, कहना न मानू मैं जवानी का। खैर ये बताइए कि हमारी अजीज हमशीरा कैसी? उनका नाम न लीजिए, वो तो मलका ठहरी। बस वो सिर्फ मलका है साहिब आलम, मालिक तो कोई और ही है। क्या मतलब? क्या तुम्हें सरदार अल्तुनिया के बारे में नहीं मालूम फिरोज? वो रजिया से शादी करके इस मुल्क का मालिक होने वाला है। कैसे होने वाला है? मुल्क हमारे बाप का है, उसके बाप का नहीं। भाईजान क्या बताऊं, मुझे आपकी तरह तलवार चलाना नहीं आती, मैं तो मैं अंतोनी की गर्दन उड़ा देता हूं। अब भी तुम्हारे सिर्फ एक इशारे की देर है फिरोज, हम अपनी तलवार के एक ही वार से उसका सर कलम कर देंगे। इशारा कर दिया, मिला हुआ हाथ भी मिला दिया। कल रात को आप शाही महल का खुफिया दरवाजा खोल देंगे और हम लोग दाखिल होकर अल्तुनिया को खत्म कर देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो रजिया को भी, और इसके बाद हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में आ जाएगी। अजी हुकूमत की बागडोर अपने हाथ आती हो तो एक क्या 10 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले इस बात का फैसला करो कि हुकूमत की बागडोर किसके हाथ में आएगी और सुल्तान कौन बनेगा। सुल्तान फिरोज होगा, और कौन? हम तो आज भी साहिब आलम को सुल्तान मानते हैं। ओ, तो आप लोग हमें सुल्तान मानते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिल्ले इलाही सुल्तान हिंद फिरोज, जिल्ले इलाही सुल्तान हिंद फिरोज, जिल्ले हम सुल्तान हिंद है, सुनते हैं आप लोग, हम सुल्तान हिंद है। तुम कहो खादसार आलीजा का एक अदना खादिम है। खादिम है तो अपनी जगह पे खड़े रहो, तख्त शाही पे क्यों बैठे हो? फिरोज आलीजा बजा फरमाते हैं, आपको तख्त शाही पर नहीं बैठना चाहिए। अच्छा तुम यहाँ कहाँ चढ़े आ रहे हो? यहाँ लंगड़े लुड़ों की जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आलीजा, आलीजा से बहस मत करो जुनैदी, हुक्म की तामील करो, निकल जाओ।
हमें मालूम था कि आलीजा हमारा इम्तिहान ले रहे हैं और हमें फख्र है कि हम अपने इम्तिहान में पूरे उतरे। भाईजान कोई मजा आ गया। भाईजान अब बताओ कि अब क्या करना होगा। वही वादे के मुताबिक आधी रात को हमारा इशारा पाते ही शाही महल का खुफिया दरवाजा खोल देंगे। भैया अगर हम खुफिया दरवाजा नहीं खोलेंगे तो सुल्तान हिंद कैसे बनेंगे। आप आ जाइएगा, दरवाजा आपको खुला मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जिल्ले सुभानी शहंशाह फिरोज जिंदाबाद। जिल्ले सुभानी शहंशाह फिरोज। ए बस। अरे भाई मिट्टू, आदमी थोड़े और असर भैया ज्यादा। तेरी अकल तो इतनी मोटी है, थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती। अरे दो दो थैली बांटेंगे, अपने बाप का क्या जाता है। क्यों कैसी कही? अल्लाह कसम खूब कह। हाँ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो। भाई अशरफियां देने से पहले इन्हें समझा दिया है या नहीं? मेरे हुजूर अच्छी तरह समझा दिया है कि जो भी खुफिया रास्ते से आज रात को आता है उसे आने दिया जाए, जो कुछ करता है उसे करने दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, तो फिर बांटो आज तख्त या तख्ता। एक और एक दो। रात आती है और चली जाती है, शमा चलती है और बुझ जाती है और पूछ कर फिर चलती है। यही जिंदगी की कहानी है अल्तुनिया। अपनी जिंदगी की कहानी ये नहीं है। आज नहीं है मगर कल हो जाएगी। खुशियों के चांद पर फर्श के बादल छा गए हैं, इसलिए चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, मगर ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा अल्तुनिया। चांद जरूर निकलेगा और शमा भी चलेगी। खुदा करे ऐसा ही, लेकिन ये खौफनाक अंधेरा देखकर कभी कभी ये सोचने लगता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जिंदगी रात की तारीकियों में शुरू हुई वो तारीकियों में खत्म हो जाए। न चांद निकले और न समझ। अल्तुनिया ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए बस में खोई खोई कुल दुनिया है सोई सोई, ऐसे में भी जाग रहा है हम तुम जैसा कोई कोई। जाए
है करता बैठा ना हो लेते कोई ढलती जाए रात पहले दिल की बात शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ ढलती जाए रात पहले दिल की बात शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ ढलती जाए रात सब ठीक है ना जी साहब आलम सब ठीक है मिठू पिठू क्यों तुम अपना काम संभालो मैं अपना काम संभालता हूँ और देखता हूँ कि अल्तुनिया किस कमरे में सोया हुआ है जाइए पिठू बोलिए ना मिठू मेरे साथ आ जाओ अरे अल्तुनिया तुम यहाँ क्या करो तुम अभी तक सोए नहीं तुमको तो कमरे में रहना चाहिए बहुत देर तक जागने से तबीयत खराब हो जाती है मैं पूछता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्या बात है अल्तुनिया अपने भाई से पूछिए कि वो आज ही रात गए मेरे कमरे में क्यों चोरों की तरह दाखिल हो रहे थे अरे वाह आप कौन है साहब पूछने वाले हम मलकिया आलिया के भाई है जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं चोरों की तरह भी जा सकते हैं और साहूकार की तरह भी जा सकते हैं आप बड़े बदतमीज है रजिया मुझे फिरोज पर शक है नहीं अल्तुनिया फिरोज सीधा आदमी है और सीधा आदमी कभी बेईमान नहीं होते ठीक है लेकिन इस सीधेपन का फायदा कई बार अकलमंद लोग उठा जाएगा नहीं तुम इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है खैर रात बहुत गुजर चुकी है अब जाकर आराम करो शब बखैर शब बखैर बिट्टू सब काम ठीक है ना बिल्कुल ठीक है सुन आप कोई देख करके मैंने दरवाजा खोलने का वो देखिए दरवाजा भी खुल गया तस्वीर लाइए हुजूर जन्नत का दरवाजा है हुजूर जन्नत का चलो आइए कितनी खुशी हुई है आपसे मिलकर ओ कहिए पहले कौन चाहिए रजिया या अल्तुनिया अल्तुनिया हाजिर है तशरीफ लाइए अरे अरे घबराने की कोई बात नहीं ये सब हमारे जर खरीद गुलाम है गुलाम My
जान, वो रहा तुम्हारा शिकार। वो दरवाजा भी बंद है। खबरदार रहना, खुश है। ये देखिए हुजूर, इनमें एक तो बहुत ही खूंखार है। सीमा भाईजान, चुनेदी। हाँ, वो मसल मशहूर है ना मलका आलिया, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर के पास आके पुकारता है। ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग नहीं, भेड़िए है। भेड़िए, भेड़ियों की जगह जंगल में होनी चाहिए या पिंजरे में। ये लोग यहाँ शिकार करने आए थे और खुद शिकार हो गए। मलका आलिया, तख्त आपको मुबारक, तख्ता इनको। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सुबह बंगाल जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिट्टू, बिट्टू। मुल्ज़िम जुनैदी बिन कासिम सदाए मौत, मुल्ज़िमान फारूक बिन अख्तर, रफीक बिन सुल्तान, हाशिम बिन इब्राहिम, अनवर बिन सलीम सदाए कैद ताज़ीर। मुल्ज़िम सीमाक बिन शमसुद्दीन अल्तमश आजहानी सुल्तान हिंद पटना शहर दिल्ली। फरियादी मकबूल बिन अहमद पटना मौजा राधापुर कस्बा महरौली। इल्जाम है कि मुल्ज़िम सीमाब ने फरियादी मकबूल की मासूम दुख्तर नूरी को मौजा राजापुर कस्बा मेहरौली से अगवा किया और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने महल में ले गया। नूरी ने निदामत की जिंदगी जीने की निस्बत इज्जत की मौत मरना बेहतर समझा। उसने मुल्ज़िम की आगोश से निकलकर मौत की आगोश में पना ली। नूरी की मौत की जिम्मेदारी मुल्ज़िम सीमा पर आयद होती है। इल्जाम हमें कबूल है। इल्जाम है कि मुल्ज़िम ने सरदार अल्तुनिया सूबेदार पंजाब को कत्ल करने के लिए जुनैदी और उसके साथियों को बठिंडा भेजा। सरदार अल्तुनिया के बजाय सिपे सालार आला सरदार याकूत का खून हुआ। इस खून की जिम्मेदारी भी मुल्ज़िम सीमा पर आयद होती है। हमें इल्जाम कबूल है। इल्जाम है कि मुल्ज़िम ने मलका आलिया और उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया। हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए हुकूमत के खिलाफ साजिश की और रात की तारीकी में अपने साथियों के साथ खुफिया दरवाजे से शाही महल में दाखिल होकर मलका आलिया और सरदार अल्तुनिया को खत्म करने की कोशिश की। हमें इल्जाम कबूल है। इस मुल्क के किसी शख्स को इस बात से इनकार नहीं कि सीमा एक बहादुर इंसान है, और इस बात से भी किसी को इनकार नहीं कि इस बहादुर ने हमेशा अपनी तलवार का नाजायज इस्तेमाल किया। जिस तलवार को जालिमों के खिलाफ चलना चाहिए था वो हमेशा मजलूम की गर्दन पर चली। नतीजा ये हुआ कि जिसे करोड़ों इंसानों का महाफिज बनना था
वो एक मुजरिम बना। हमें मुलजिम सीमाब से हमदर्दी है, लेकिन इस हमदर्दी का ये मतलब नहीं कि हम इसके उन गुनाहों को नजरअंदाज कर दें जिनका ये खुद इकबाल करता है। हम उस मासूम नूरी को कभी नहीं भूल सकते जिसके गुंचे नूर को मुलजिम ने खिलने से पहले ही कुचल दिया। मुलजिम अगर अपनी सफाई में कुछ अर्ज करना चाहे तो उसे इजाजत है। हमें जो कहना था कह चुके, हमें ये तमाम इल्जाम कबूल है। मुलजिम सीमाब के खिलाफ अगवा, बगावत, साजिश और खून के इल्जाम साबित होते हैं। मुलजिम खुद भी अपने जरायम का इकबाल करता है। कस्तूर हिंद और कानून शरई की रूह से मुलजिम मुजरिम है, इसलिए मलक आलिया और उनकी हुकूमत मुजरिम सीमाब के लिए सजाए मौत का हुक्म साजिर फरमाती है। मरने वाले की अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे बयान करने की इजाजत है, मलका हिंद उसे पूरा करेंगी। ये इस मुल्क का कदीम रिवाज है और इस मुल्क के हुक्मरान की हैसियत से हम इस रिवाज को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन इस मुल्क का ये भी रिवाज है कि यहाँ के हुक्मरान अपनी बात के धनी और कौल के पक्के होते हैं। वो अपनी जान हार जाते हैं लेकिन जुबान नहीं हारते। हमें अपने फराइज एक मुजरिम से सीखने नहीं पड़ेंगे। अपनी जिंदगी के सिवा तुम हमसे जो भी मांगोगे मिलेगा। सीमाब को जिंदगी लेना आता है मलिका, मांगना नहीं। और आज भी इस भरे दरबार में इतने आदमियों के सामने हम मलक आलिया से अपनी जिंदगी नहीं मौत मांगे। लेकिन ये मौत जल्लाद के हाथों नहीं किसी बहादुर के हाथों होनी चाहिए। ऐसा बहादुर जो अपनी तलवार से लड़कर हमें मौत के घाट उतार दे, यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। गुस्ताखी माफ हो मलका, खादिम की यह दरख्वास्त है कि मुजरिम की यह आखिरी ख्वाहिश मेरे हाथों पूरी हो। अल्तुनिया मलका, ये नामुमकिन है तलवार से लड़कर सीमाब को मारना। ताबा ताबा अल्तुनिया, क्या सब मिलकर भी नहीं मार सकते? और शर्त सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक के बाद एक जो भी चाहे या जिसे मलक आलिया हुक्म दे हमारे मुकाबले में आ सकते। और ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम मर नहीं जाते, क्योंकि हुकूमत मलका हिंद ने हमें मौत की सजा दी है और हमने भी मलका आलिया से जिंदगी नहीं मौत मांगी। और ये मौत तुम्हें मिलेगी। इतने बड़े मुल्क की मलिका होकर भी अगर हम अपने मुजरिम की एक अदना आखिरी ख्वाहिश भी पूरी न कर सके तो हमें मलका होने का कोई इख्तियार नहीं। इसी जंजीरें खोल दो। ये लो। गुस्ताखी माफ, इतने वफादार सरदारों के होते हुए मलका आलिया का तलवार उठाना उनकी शान की शाया नहीं। हुक्मराना का तलवार उठाना कभी उनकी शान के खिलाफ नहीं होता। जरूरत पड़ने पर हमेशा बादशाहों ने तलवार उठाई है। बादशाहों की तलवार मैदान जंग में हमेशा दुश्मनों के खिलाफ होती है। और सीमा दुश्मन नहीं मुजरिम, जिसके लिए मलका आलिया ने सजा मौत का हुक्म किया है। सरदार अल्तुनिया बजा फरमाते हैं मलका आलिया। हमें सरदार अल्तुनिया की राय से इत्तेफाक है मलका आलिया। जब तक हम लोग जिंदा हैं एक मुजरिम को सजा देने का काम मलका आलिया अपने हाथ में नहीं ले सकती। और हम भी यही चाहते हैं ताकि हमारी अजीज हमशीरा अपनी आंखों से अपने वफादार सिपाहियों का हश्र देख सके। इस फर्ज के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूं।
ملکہ ہند سلطانہ رضیہ زندہ باد، تیغ من زندہ باد۔ لیکن گناہوں کے بوجھ سے ناکارا ہو گئے، اٹھاؤ تلوار۔ जो फर्ज मुझ पर छोड़ गए थे आज वो पूरा हुआ। काफिला जा रहा है और यहाँ न नूरी का पता है न दूल्हा मियां का। अब क्या एक साल में फिर इंतजार करूंगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अम्मा, तुम अकबर हट जा, मैं जाऊंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं इंतजार करूंगी। नूरी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। और ये कौन है? दूल्हा मियां? अरे तुम लोगों ने तो शादी का लिबास भी पहन रखा है। क्यों रे मकबूल, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार इन दोनों की शादी है, चुप्पे चुप्पे से तैयारी कर ली है? चलो जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अल्लाह की मेहरबानी, मेरी बेटी हाथ
ये मेरे बेटे आज तो तुम्हारे हवाले हुए, ये आजा तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है अल्लाह ने। इन काफले वालों को तो कोई रोको, आप घबराइए मत अम्मा जी, वो लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं जी? मेरा? अरे मकबूल जी। अम्मा हाँ बेटा, आधी इन दोनों का निकाह भी करा देना। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। नूरी नूरी बेटी इधर आ, खुदा हाफिज बेटी, खुदा जिंदगी क्या है, खुदा हाफिज़, खुदा